तो हमें ये सोशल मीडिया थोड़ा यूज़ ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि हमें यूज़ करना चाहिए, बल्कि जिधर यूज़ करना है वहाँ पर। जैसे हमें कुछ कारोबार में और वेबसाइट है बहुत सारी जो पढ़ाई के काम में आते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को उससे बात करने के लिए, अच्छे से रिलेशन एक दूसरे के संबंध बनाने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं, मगर नुकसान भी बहुत है। सोशल मीडिया के जरिए लोग आपस में गलत रिश्ते बना लेते हैं और कई तरह कुछ गलत काम भी कर जाते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को ज़्यादा दौलतमंद, ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को धोखा देते हैं, और कहीं प्रॉपर्टीज़ में भी इससे धोखा देते हैं, और इसकी वजह से पेरेंट्स को जो अपने माँ बाप हैं उनको भी अपना सही वक्त नहीं देते, उनके साथ भी नहीं रहते, अकेलेपन में रहते हैं और अकेलेपन का शिकार होते हैं। और जब देखो जब फ़ोन में वो सोशल मीडिया के ऐप खुले रहते हैं और कहीं एक जगह अकेलेपन में बैठ कर यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से हमें कुछ बीमारी भी होते हैं, जैसे हैंडी का कुछ आँखों पर असर होता है, और जो है सो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस सोशल मीडिया के जरिए होती है, और इससे हमें अकेलापन भी बहुत होता है, और इससे खुदकुशी के भी ज़्यादा मुनाफा होते जा रहा है इस सोशल मीडिया के जरिए। इसलिए हमें सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, मतलब जहाँ हमें ज़रूरत है उधर ही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ करने से भी हमें ही नुकसान होता है। अगर हम चाहे तो इस सोशल मीडिया को रोक सकते हैं, ये भी अपने ऊपर है, अगर चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम इसे रोकना चाहिए जितना हो सके, आप उतने रोकने की कोशिश करें। शुक्रिया।